तो यूपी में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए बीजेपी मिशन डिमोल्यूशन अभियान चला रही है। बीजेपी दूसरे दलों में लगातार सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है और पार्टी की कोशिश यही है कि चुनाव से पहले हर दल के जो प्रमुख नेता हैं उन्हें अपने साथ जोड़ लिया जाए। इससे पार्टी ब्लॉक स्तर से लेकर नगर पालिका तक जमीन पर खुद को और मजबूत कर सकती है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इस दल बदल में बीजेपी का एक तरफा फायदा होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है तो वहीं पीडीए गठबंधन में लगातार टूट होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी नेताओं को अपनी जीत के लिए सिर्फ बीजेपी के खेमे पर ही भरोसा है। ऐसी शायद ही कोई पार्टी हो जिसमें बीजेपी ने सेंधमारी न की हो। बीते 50 दिनों में करीब 1000 विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, जिनमें कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अजय कपूर, बीएसपी में मजबूत पैठ रखने वाले रितेश पांडे और सपा के पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर और शीश राम सिंह जैसे नेता भी शामिल हैं। हिंदुस्तान तेजी से बदला है। पिछले एक दशक में मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ऐसी तब्दीली आई है जो साफ साफ देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि 2024 में जो सपना आज हिंदुस्तान देख रहा है, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हर आंखों में ये सपना तैर रहा है। बात समाजवादी पार्टी की करें तो अब तक पार्टी के एक पूर्व सांसद, 8 पूर्व विधायक समेत 40 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ऐसा नहीं है कि नेता पार्टी में कोई छोटा मोटा कद रखते थे। इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी पार्टी और अपने इलाकों में अच्छी पैठ है, कुछ के पास उनकी जाति में अच्छी पकड़ है, तो कुछ जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 दिनों में विपक्ष के 1000 नहीं बल्कि विपक्ष में छिपे हुए ऐसे 10,000 संघीय और सांप्रदायिक सोच के नेताओं को अपने पास ले जाएगी। इस देश के लोकतंत्र, भाईचारे और समाजवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए उतना ही फायदा करेंगे, इसलिए क्योंकि ऐसे संघियों ने ही विपक्ष को यहाँ पहुँचाने का काम किया, ऐसी संघी सोच के लोगों ने। तो वहीं बीएसपी छोड़ बीजेपी का दामन थामने वालों में सबसे बड़ा नाम अंबेडकर नगर से मौजूदा सांसद रहे रितेश पांडे का है। रितेश पांडे ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने रितेश पांडे को अंबेडकर नगर सीट से प्रत्याशी भी बनाया है। तो वहीं बीएसपी की सांसद संगीता आजाद ने हाथी का साथ छोड़ कमल का दामन थाम लिया। संगीता आजाद ने साल 2019 में लालगंज सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था। इस चुनाव में संगीता आजाद ने बीजेपी की नीलम सोनकर को हराया था। उधर कांग्रेस की पतली हालत को और पतला करते हुए कानपुर से उनके दिग्गज नेता अजय कपूर ने भी बीजेपी के खेमे में अपनी जीत तलाश की कोशिश की है।